हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे मटर पनीर का एकदम बहुत ही बढ़िया शानदार सब्ज़ी। आपने तो बहुत बार घर में तो आप बना के खाए होंगे, लेकिन कुछ खास तरीक़े से मैंने इसको प्रिपेयर किया है आज, जो कि एकदम बहुत ही यूनिक सा टेस्ट है। तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिए, आप सभी को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है 3 मीडियम साइज़ का प्याज और 3 मीडियम साइज़ का टमाटो और 4 सूखा मिर्ची मैंने लिया है यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले हम प्याज को जो है ना, इसे स्लाइस काट लेते हैं, मतलब लंबाई में हम काट लेते हैं। थोड़ा सा आपको पतला रखना है और ये एकदम बेसिक का जो है ना, इसका ग्रेवी बनेगा और खूब स्वादिष्ट बनेगा और बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो इस तरह से आपको लंबाई में प्याज काट लेना है। देखिए हमने सारे प्याज को जो है ना, इसे लंबाई में काट लिया है। तो अभी बारी आता है टमाटो, और यहाँ पर टमाटो जो है ना, इसे हम रफली चॉप करना है क्योंकि इसे हमको पेस्ट बनाना है। तो यहाँ पर देखिए जो हाइब्रिड टमाटो है ना, वो मैंने लिया है जो मीठा लगता है। तो आप देसी टमाटो मत लीजिए क्योंकि इसका ग्रेवी थोड़ा सा खट्टा हो जाता है, तो टेस्ट इतना बिल्कुल अच्छा नहीं आता है। तो आप ये हाइब्रिड वाला लीजिए। तो देखिए हमने टमाटो डाल दिया और यहाँ पर 3-4 सूखा मिर्ची भी डाल दिया है और 8 से 10 काजू मैंने यहाँ पर डाल दिया है, और थोड़ा सा हम डालेंगे धनिया पत्ता और उसको बढ़िया सा मिक्स करके इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप हरी मिर्ची यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने ड्राई चिली यूज किया है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 200 ग्राम का जो पनीर आता है ना पैकेट, तो वो मैंने 2 पैकेट लिया था, मैंने आपको सिर्फ 1 पैकेट दिखाया। तो मैंने किस तरह से इसे काट रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने 6 लोगों के लिए एक्चुअली बनाया था, तो इसलिए मैंने 2 पैकेट लिया है। और आपको पनीर का साइज़ जो है ना, इसे थोड़ा सा आपको बड़ा रखना है, तभी मतलब देखने में बढ़िया लगेगा। तो सबसे पहले हम इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, और इसमें आपको मीडियम फ्लेम में 2 से 3 मिनट के लिए थोड़ा सा आपको फ्राई कर लेना है, सेलो फ्राई कर लेना है। तो ज़्यादा फ्राई मत कीजिएगा, ताकि क्या होता है कि कभी कभी पनीर जो है ना स्ट्रांग बन जाता है। तो देखिए इस तरह से आपको दोनों साइड थोड़ा सा आपको इसे फ्राई कर लेना है। तो ये 2 से 3 मिनट का अंदर ये फ्राई होकर रेडी हो जाता है। तो हम इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा पनीर बिल्कुल फ्राई हो चुका है, एकदम सेलो फ्राई। तो फिर से हम डाल देंगे उसी कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल 3 से 4 बड़ी चम्मच। तो सबसे पहले इसमें जाएगा जीरा, तो इसके साथ हम डाल देंगे 2 टुकड़ा दालचीनी, और जो हमने प्याज स्लाइस करके रखे थे उसे भी डाल देंगे, और इसे तब तक भूनेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। तो एकदम बढ़िया से आपको गोल्डन ब्राउन करना है, इससे क्या होता है कि ग्रेवी का टेक्सचर और टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो देखिए ब्राउन तो हो चुका है हमारा प्याज, तो अभी हम डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो 1 बड़े चम्मच करीब मैंने यहाँ लिया है, और इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए आपको भून लेना है। तो बाकी हमने स्पाइसी अभी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले जाएगा 1.5 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, इसके साथ जाएगा थोड़ा सा हल्दी पाउडर 1/2 छोटा चम्मच करीब लिया है मैंने, और थोड़ा सा मैंने लिया है लाल मिर्ची, और 1 बड़े चम्मच लिया है काश्मीरी रेड चिली पाउडर थोड़ा सा कलर आने के लिए। तो गैस का फ्लेम जो है ना आपको लो कर देना है, और इसे कुछ सेकंड के लिए इसको भून लेना है, और ये बहुत ही बढ़िया कलर आता है। तो यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ दूध, तो कोई भी आप नॉर्मल जो दूध मिलता है ना वो आप ले सकते हैं। तो जो रेगुलर आप दूध यूज़ करते हो ना, तो वो मैंने यहाँ पर यूज किया है। तो करीब 1 कप डाल दिया है, और गैस का फ्लेम को जो है ना अभी हाई कर देना है, और इसे कंटिन्यू इसे चलाते हुए आपको पकाना है। ये 2 मिनट में बढ़िया सा मतलब ग्रेवी बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए आप किस तरह से ये तेल रिलीज करना शुरू कर दिया है, बहुत ही कम टाइम में इसका ग्रेवी बन के तैयार हो जाता है। तो जैसे ये तेल मतलब आना शुरू हो जाए, तब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटो और जो हमने पेस्ट बना के रखे थे ना काजू वगैरह, तो इसको हम डाल देंगे, और इसे भी हम कंटिन्यू इसे चलाते हुए हाई फ्लेम में हम इसे पकाएंगे। और इसका जो ग्रेवी बनने में ये टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट का अंदर ये बढ़िया सा ग्रेवी बनके और बढ़िया सा इसमें टेक्सचर आ जाता है दूध डालने से। तो आप देख सकते हैं ये कैसे तेल छोड़ना रिलीज कर दिया है। तब हम इसमें डाल देंगे ग्रीन मटर, तो मैंने यहाँ पर फ्रोजन वाला मटर जो है ना लिया है। तो सबसे पहले हम इसे डाल देते हैं, और इसे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए मसालों के साथ हम भून लेते हैं। तो याद रखिए जब आप मसाला भूनते हो तो उस टाइम से पानी मत ऐड कीजिए, नहीं तो ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर मैंने ढक्कन लगा के 3 से 4 मिनट इसे पका लिया है। तो आप देख सकते हैं मटर भी बढ़िया सा मतलब पक चुका है, और इसका ग्रेवी का टेक्सचर देखिए एकदम परफेक्ट ढाबा और होटल स्टाइल जैसा दिख रहा है, और टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आएगा। आप ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिए सेम मेथड में।
तो यहाँ पर हम डाल देंगे गर्म पानी। तो यहाँ पर मैंने ठंडा पानी बिल्कुल यूज़ नहीं किया है, मतलब नॉर्मल पानी यूज़ नहीं किया है। आप हमेशा खाना बनाते वक्त गर्म पानी यूज़ कीजिए, खाना का टेस्ट भी बढ़िया आता है और ये जल्दी भी बन जाता है। तो हम अच्छा से मिक्स कर देंगे, तो हमारा मटर भी बढ़िया सा मतलब बॉयल हो चुका है। तो अभी हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, थोड़ा अच्छा से मिक्स कर देंगे और इसके साथ हम डाल देंगे ये पनीर। तो देखिए पनीर डालने के बाद आप इसे ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है, जस्ट 3 से 4 मिनट के लिए हमें इसे पकाना है, ताकि पनीर तो ऑलरेडी फ्राई हो चुका है और यहाँ पर मटर भी ऑलरेडी बॉयल हो चुका है। तो यहाँ पर हम डाल देंगे थोड़ा सा रोस्टेड कसूरी मेथी, अगर पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो, इसे भी बढ़िया से मिक्स कर देंगे। लेकिन कसूरी मेथी डालने से ना बहुत ही बढ़िया मतलब स्वाद और टेस्ट लगता है। तो आखिर में हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा गरम मसाला। तो गरम मसाला डालते ही हमें इसे बढ़िया सा मिक्स कर देना है। अगर आपको पानी थोड़ा सा चाहिए तो आप इसमें और थोड़ा सा ऐड कर सकते हो, क्योंकि इसका जो ग्रेवी है ना, ये पानी को जो है ना एकदम बैलेंस कर लेता है। और यहाँ पर हम ढक्कन लगा के, मैंने जैसा बोला कि 2 से 3 मिनट के लिए हम पका लेते हैं, ताकि कसूरी मेथी गरम मसाला हमने डाला है ना, तो बढ़िया से एकदम मतलब पनीर और मटर के साथ मिक्स हो जाए और काफ़ी टेस्ट लगेगा। तो आप देख सकते हैं इसका ग्रेवी का कलर कैसा है और टेक्सचर कैसा है, और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप इसे फ्राइड राइस, प्लेन राइस, रोटी, चपाती, पराठा और पुलाव के साथ आप आराम से खा सकते हैं, और ये काफ़ी टेस्ट लगता है, सभी के साथ बहुत ही बढ़िया कम्बिनेशन है। तो बस थोड़ा सा हरा धनिया लास्ट में डाल दीजिए अगर है तो, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। तो आप देख सकते हो मैंने कितना सिंपल तरीक़ा से इसे बनाया है, और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, सभी ने बहुत ही पसंद करेंगे, तारीफ भी करेंगे, और एक बार खाने से ना आपको बार बार डिमांड करेंगे बनाने के लिए। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप इसे किसी के साथ भी खाइए और उसका बहुत ही बढ़िया कम्बिनेशन बनता है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो आप ज़रूर घर में एक बार ट्राई कीजिए, और पनीर का आप सारे रेसिपी भूल जाओगे, इसे ही बार बार बनाने के लिए कोशिश करोगे, इतना अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों, आज का रेसिपी कैसा था हमें कमेंट करके बताइए। अगर रेसिपी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं और एक शानदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।